वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे 6 - 5 = 2। अब देखिए टरणा मूवी, अब मैं आपको बता दूं कि मैं ये दो व्यूवर्स के लिए बना रहा हूँ, यानी कि उन व्यूवर्स के लिए मैं स्टार्टिंग पोर्शन बना हुआ जहाँ पर उन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा, तो मैं कहीं से भी जो उनका मजा है वो मजा खराब नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं इस वीडियो में स्पॉइलर बोलूंगा तब समझ जाना कि वहां पर उन लोगों को वीडियो कंटिन्यू नहीं करना है जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है, और जिन लोगों ने ये फिल्म ऑलरेडी देख चुके हैं तो वो लोग उसके आगे का पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं इस फिल्म से रिलेटेड काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। तो चलिए बात करते हैं 6 - 5 = 2। अब ये फिल्म की बात होती है, ये कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म है जो फाउंड फुटेज जॉनर पे बनी है। लेकिन इस पर एक सवाल उठता है, सवाल ये है कि 2012 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक क्वेश्चन मार्क, वो भी कुछ इसी जॉनर की थी जिसमें भी कुछ रियल फुटेज को यूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इस फिल्म यानी कि 6 - 5 = 2 ये इंडिया की कन्नड़ा लैंग्वेज की पहली फिल्म है जिसमें फाउंड फुटेज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि वो फिल्म रिलीज हुई थी 2012 में यानी कि एक क्वेश्चन मार्क, तो उसमें भी फाउंड फुटेज का ही यूज किया गया था। उसकी कहानी भी कुछ इससे ही सिमिलर है, सिमिलर बोले तो 70% सिमिलर है, क्योंकि मैंने वो फिल्म भी देखा, वो फिल्म भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी वो, लेकिन वो हिंदी फिल्म है, ये कन्नड़ा मूवी है। खैर मूवी की बात करूं तो ये एक हॉरर जॉनर वाली फिल्म है जहां पर कुछ दोस्त हमें नजर आते हैं, यानी कि 6 लोग, 4 लड़के और 2 लड़कियां। तो लोग एक हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट में जाने के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी जिसका नाम है 6 - 5 = 2। मुझे ये पर्सनली मूवी बहुत अच्छी लगी, और अगर पहली नजर में आप ये फिल्म को देखोगे तो जो डर है वो आप महसूस करोगे। हाँ लेकिन कुछ इलॉजिकल चीजें देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप कुछ भी सोचोगे नहीं, अगर आप ये फिल्म को देखोगे तो जो डर होता है ना एक हॉरर फिल्म में होना चाहिए वो एक अंदर से महसूस होता है। और जिस तरह से ये फिल्म पूरी शूट हुई है ना, कहीं से भी आपको लगता नहीं कि फिल्म में जो चीजें बताई वो फेक हो। तो मैं इतना ही बोलूंगा भाई, अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी तो ये फिल्म को जरूर देखना, ये कन्नड़ा में भी है और ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हुई थी, और दोनों ही वर्जन आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। खैर अब मैं आपको स्पॉयलर्स दूंगा, स्पॉयलर्स मतलब जो लोगों ने ये फिल्म को नहीं देखा वो यहां से वीडियो को कंटिन्यू ना करें। अब उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा जिन लोगों ने 6 - 5 = 2 ये मूवी देख चुके, तो चलिए स्पॉयलर हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए इस फिल्म का अगर आप पोस्टर देखोगे तो पोस्टर पे लिखा था अ वीडियो शूट बाय लेट रमेश। अब लेट रमेश का मतलब ये है कि वो जो वीडियो इस फिल्म का जो बनाया, जिसने शूटिंग किया पूरी, वो मर चुका है। और बेसिकली जो फाउंड फुटेज का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो नेचुरल जो वीडियो शूटिंग से जो फिल्म बनती है उसको फाउंड फुटेज के थ्रू बोलते हैं। हालांकि ये एक फिक्शनल कहानी है मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन जो इस फिल्म के मेकर्स थे उन लोगों ने इतनी चालाकी से, इतनी मतलब कह सकते हैं चतुराई से इसका जो पूरा प्रमोशन किया है कि लोगों में ना आग की तरह इस फिल्म के जो रूमर्स है वो फैल गए कि भाई एक ऐसी फिल्म है जिसमें ना कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जो फिल्मी दुनिया से नहीं है, और उनकी जो रियल फुटेज यानी कि वो जब रियल हॉलीडे पे गए थे तब उन लोग क्या कुछ एक्सपीरियंस किए थे उसको मिला के इन लोगों ने एक फिल्म की तरह पेश कर दिया, और जो जो चीजें उन लोगों के साथ हुई थी वो रियल है। तो लोगों के ना बीच में क्यूरियोसिटी हो गई, वो सोचे कि यार वाकई में हम लोग भी देखें कि यार इन लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या था। और एक्चुअली इसमें जो हॉरर का जो टरका डाला है वो मतलब इस फिल्म की मेन जान है। लेकिन मैं ऐसा बता दूं कि ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में हुआ नहीं था। जो इसके डायरेक्टर है KS किशोर, वो इंस्पायर एक हॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम था द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, जो कि आई थी 1999 में, तो उसमें भी कुछ फाउंड फुटेज इस जॉनर का यूज किया गया था। उसके अलावा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था और वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में ही हुआ था, लेकिन वहां के जो हॉलीडे पर मनाने जो लोग गए थे वो लोग किस भूत या किसी हॉन्टेड किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से नहीं मरे थे, वो लोग मरे थे भूख के कारण, यानी कि वो लोग जंगल में गए थे लेकिन रास्ते भटक गए थे, और रास्ता भटकने के बाद उन लोग को समझ भी नहीं आता, उनके पास खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था, और इसी वजह से वो लोग भूख से मर गए थे। और जब वो लोग ने उस दौरान जब अपने कैमरे से जो चीज उन लोग ने शूट किए थे वो फुटेज और प्लस उन लोगों की डेड बॉडी मिली थी, उन जगह जो रेंजर्स होते उनको मिले थे, तो बस ये खबर न्यूज़पेपर में आई थी, तो वहां से जो KS किशोर उनको एक आइडिया मिला था, प्लस उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म भी देखी थी। उसके अलावा KS किशोर खुद भी जंगलों में गए थे 2011 में, और उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस लिया था कि भाई जंगल में किस तरीके का माहौल होता है। और जो जंगल में KS किशोर अपने दोस्तों के साथ गए थे उस जंगलों के जो फॉरेस्ट रेंजर्स जो गार्ड होते हैं उन लोगों ने उनको बोले थे कि भाई इस जंगल में मजा, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग गायब होते जाते हैं, तो क्योंकि इसमें एक अफवाह है कि यहाँ पर भूत प्रेत है। तो ये सारी जो ये सब चीजें का आइडिया लेके उन्होंने ये फिल्म बनाई थी जिसका नाम था 6 - 5 = 2। और ये फिल्म इतना ज्यादा पॉपुलर हुई थी कर्नाटका में कि ये फिल्म 30 लाख के बजट में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने करोड़ों कमाई किए थे। और वाकई में अगर पहली नजर में आप इस फिल्म को देखोगे, अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे ज्यादा, तो आपको जो डर है वो एकदम रियल लगता है, और वाकई में आपको लगता है कि हाँ ये लोगों ने जो शूट किया वो एकदम रियल
कैमरे से शूट किया, हर एक चीज इसके रियल है। और मैं इतना ही बोल सकता कि मैंने जब इस फिल्म को देखा था थोड़ी देर के लिए मैं भी चौंक गया था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सर्च किया इस फिल्म के बारे में, बहुत सर्च करने के बाद समझो कल की पूरी रात काली हो गई इस चक्कर में, और प्लस मैं एक सीरीज भी देख रहा था, तो इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि ये फिल्म में जो जो चीजें थी वो फिक्शनल थी। अब मैं आपको बताता हूं इसका जो टाइटल है 6-5=2 कैसे पड़ा। तो देखिए 6 लोग होते हैं, 6 लोगों में से 5 लोग मर जाते, एक आदमी बचता है जो कि उसको बेचारे को बुखार आया था तो वो पहाड़ पे नहीं जा पाता, उस पीक पर नहीं जा पाता, तो वो किसी तरीके से बच जाता है। अब तो 6-5=1 होना चाहिए, तो 2 क्यों है, तो जो एक और है वो है उसका कैमरा। तो उस जगह से 2 लोग वापस आते हैं, वो एक वो लड़का और दूसरा उसका कैमरा। तो इस वजह से इस फिल्म का नाम है 6-5=2। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये मूवी अगर ऑलरेडी देख चुकी थी तो आपको क्या एक्सपीरियंस है इस मूवी को फर्स्ट टाइम देखने के बाद। अगर आपने ये मूवी को नहीं देखा, आपने फिर भी इस वीडियो को मेरे स्पॉइलर बोलने के बावजूद यहां तक कंटिन्यू किया था, मैं आपका दिल से थैंक यू बोलता हूं। मैं बस इतना बोलूंगा ये दोनों ही फिल्में अलग जॉनरा पे बनी गई फिल्म है, और 6-5=2 वाकई में एक ऐसी फिल्म है जो आदमी पहली नजर में देखेगा तो दिमाग उसका काम नहीं करेगा और वो ये सोचने लगेगा यार गोश्त होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इसमें एक सीन ऐसा था बॉटल वाला जो मेरा दिमाग भाई एकदम ऐसा कर दिया था, तो मैं तो शॉक्ड हो गया था। खैर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही फिल्म यानी कि हिंदी लैंग्वेज में और कन्नड़ा लैंग्वेज दोनों आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में देने की। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मैं हूं रांची से और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट, तो दुआ में याद रखना।